नौ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 है। बाद में यह पाया गया कि दो स्थानों पर 25 के स्थान पर 35 पढ़ा गया और 38 को 32 पढ़ा गया, तो वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले 40 छात्रों के औसत अंक का सम निकालें, यानी कि 45 × 40 करें। 45 × 40 करेंगे तो आपको गुना करना पड़ेगा और ये आ जाएगा आपका 1800 आ जाएगा। इसके बाद क्या करें, यहाँ से कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, और यहाँ से ये कितना कम है, ये 6 कम है। टोटल हम अगर कंपेयर करें तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 16 का डिफरेंस यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, -1800 से -16 हम करेंगे, 18 से -16 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 871। कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं, 40 ले डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 44.6, जो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारा ये है करने के लिए कि डायरेक्ट हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि डिफरेंस कितना क्या है, डिफरेंस है आपका कितना, 16 का डिफरेंस है और टोटल छात्र कितने हैं, 40 छात्र है, 16 अपॉन 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। पॉइंट कितना जाएगा, 4, और 0.4 हमारा जो है एक्स्ट्रा आ रहा है एवरेज से, क्योंकि हमने गलती से 25 को 35 और 38 को 32 पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा टोटल एवरेज जो है 40 छात्रों का कितने हैं, 40 छात्रों का जो एवरेज है 45 ही, और 45 − 0.4 करेंगे तो ये जाएगा आपका 44.6। इस तरीके से भी कर सकते हैं। होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।